खासदार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप लोग, और आमदार को कितना देंगे? आमदार को देगा ये। किसी से उम्मीद है आप लोगों की कि ये नेता अच्छा काम करेगा? कोई कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। नेताओं से बहुत दुखी हैं आप लोग कहने को। दोस्तों 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। रामटेक विधानसभा के क्षेत्र की बात करेंगे, जहां के पब्लिक पोल हमने लिया है कि यहां के लोग कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं अपने नेताओं से, 10 में से कितने नंबर देते हैं, उस सारी जानकारी इस रिपोर्ट में है। पारसिवनी तालुका के गाँव है, कौन सा गाँव है, कितने खुश हैं, क्या परेशानी है, वो सब कुछ इस पब्लिक पोल में आप देखिए। नमस्कार, इस वक्त हम लोग हैं साले घाट में। हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट है अखिलेश भारद्वाज। देखा ही नहीं अभी तक, कहीं आए नहीं, आया ही नहीं। आमदार को देखे होंगे? हाँ, आमदार को देखा, एक साल हो गए मिलने के बाद। कहाँ मिले? और रामटेक में। रामटेक में मतलब उनके घर पे जाके मिलेगा? घर पे जाके। इधर नहीं मिलेगा? इधर नहीं। इधर कभी आए? आया नहीं। आमदार साहब आए क्या कभी? कभी नहीं आए। कभी आए नहीं? नहीं नहीं। हम फाइल लेके गए थे, पुनर्वसन की फाइल। पुनर्वसन की? अच्छा, फाइल लेकर गए तो क्या बोले आमदार साहब? आमदार साहब बोलता है कि आओ, हो जाएगा। हो जाएगा बोले? हो जाएगा, पर वो 3 साल हो गए तो हो रहा है। अच्छा, 3 साल हो गए, हो रहा है ऐसा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हॉस्पिटल वगैरह की क्या सुविधा आपके गाँव में? नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं। नहीं। और बसेस वगैरह आते आपके गाँव में? नहीं, बस भी नहीं आती। अच्छा, इस एरिया में नेता वगैरह आते हैं, आमदार, खासदार, जिला? अभी तक तो आए नहीं। आए नहीं अभी तक तो? आए नहीं। आप कभी मिले अपने नेताओं से 1-2 साल में? वो एक जायसवाल के पास मिला था एक बार, नहीं तो जाना पड़ता था। आए थे के तरफ? और एक बार आया था जब इलेक्शन था, तब उसके बाद में आया नहीं। तो 4 साल हो गए। हाँ, तब से आया ही नहीं। तो आए थे नहीं? 4 साल से आए नहीं क्या? नहीं नहीं। पर जायसवाल साहब मैंने सुना कि गांव गांव में बहुत जाते हैं। नहीं, यहाँ पे आए नहीं अभी। इस गाँव में नहीं आए? नहीं। किसी से उम्मीद है आप लोगों की नेता अच्छा काम करेगा? कोई कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। नेताओं से बहुत दुखी हैं आप लोग कहने को। अब मुझे एक बात बताइए, खासदार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप लोग अपने? 0 नंबर देंगे। 0? खासदार को पूरा 0, सभी 0 देंगे। और आमदार को कितना देंगे? आमदार ने सब कुछ काम भी नहीं किया तो क्या करेंगे? जो अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से उसको देंगे, उसको देंगे। अभी आमदार आशीष जायसवाल है, कितने खुश है आप लोग? कुछ खुश नहीं है सब, हम लोग पूरा नाराजी है। पीड़ित खत्म हो गए। क्या बोले आमदार जसवाल साहब को 10 में से कितने देंगे? खासदार को 0? कुछ भी नहीं देंगे और मतदान भी नहीं करेंगे, खाली भेज देंगे अब पेटी। हमारे बस्ती का कोई समस्या पूरा नहीं करता तो हम क्या करेंगे? फायदा नहीं हमको कुछ, तो बात ऐसी है ना। मत भी दे तो कुछ फायदा नहीं, नहीं दे उससे अच्छा है नहीं दे तो। आप लोग आमदार से भी दुखी हैं और खासदार से दुखी? सबसे दुखी है हम। किसी की तबीयत खराब हो गई तो फिर कैसे और कौन सी जगह पे जाते? फिर लेके जाना पड़ता है दवा खाने, फिर खापा 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 नहीं सामने खापा। हाँ, तो क्या की? आप लोगों का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं। खासदार तो कभी और नहीं आए? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं खासदार तो दूर दूर तक नहीं आते। दूर दूर। और आमदार भी नहीं आता? आमदार भी नहीं आता। रोड तो नहीं है? मैं तो देख लिया, रोड है ही नहीं आपके गाँव में। रोड नहीं है, बड़ी दिक्कत है, अभी समस्या है बहुत। जायसवाल जी कैसे है? जायसवाल जी तो कोई काम नहीं कर रहा हमारा वाला। एक तो बोला हमने बोल रहे चलिए बस्ती का प्रमोशन कर दो करके, लेकिन प्रमोशन भी नहीं करके दे रहे। हम नोटा की बटन दबाएंगे। नोटा दबाएंगे? नोटा दबाएंगे। पूरे गांव वाले का यही मत है क्या? हो पूरा नोटा दबाएंगे पूरे गांव वालों का। नोटा नोटा से फसल वगैरह का नुकसान होता है? हाँ जी, वो परफेक्ट। हाँ, वो हमेशा होते रहते? हमेशा होता है। आए तो होंगे, अभी 4 साल हो गए इलेक्शन को। 4 साल तो वो इलेक्शन के समय पे आएंगे, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। कभी मुलाकात नहीं हुई। गाँव का नाम क्या है? सालेघाट। सालेघाट तालुका में? ये पारसिवनी। यहाँ से पारसिवनी कितना दूर? पारसिवनी यहाँ 35 किलोमीटर जी। चुनाव के समय तो बहुत वादे किए जाते हैं कि रोजगार मिलेगा, रोड बना देंगे, पानी आएगा, हॉस्पिटल मिलेगा, स्कूल मिलेगा, सब मिल जाते हैं चुनाव के समय। उसके बाद कुछ नहीं। रोजगार मिला कि नहीं मिला? बाकी नहीं नहीं, रोजगार मिलता ही नहीं ना सर, कुछ भी नहीं ना। अच्छा, आप भी खेत में जाते हैं क्या? जी जाते हैं, कोतुरना, पेंड्री, उधर बहुत बहुत दूर जाते हैं हम। आप अभी भी जाते हैं क्या? हाँ, अभी। कितना रुपए मिलता है आपको? 200 रुपए। सिर्फ 200 रुपए? हाँ। क्या काम करते हैं? ये खेत में नींदना, कपास निकालना। सिर्फ 200 रुपए मिलते क्या? हाँ, सिर्फ 200 रुपए, उसी में गुजारा करते हैं हम। हमारी मांग है या पुनर्वसन की मांग है? हमारी सबसे बड़ी मांग पुनर्वसन, पुनर्वसन की मांग है। या क्या सख्त तकलीफ क्या है जो पुनर्वसन करना पड़ रहा है? रोड नहीं है, दवाखाना नहीं है, शाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं सारी सुविधाएं से आप लोग दूर हैं? हो, वो दूर है। नहीं, आमचा बहुत प्रॉब्लम मध्ये आहे, आमचा गाव उठून द्या फक्त तुमच्या सिन एवढं भी। पुनर्वसन का सबसे बड़ा मुद्दा? हो, पुनर्वसनच पाहिजे आम्हाला। ये लोग इतने दुखी हैं
सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पुनर्वसन का है। ये इस जगह से जाना चाहते हैं क्योंकि ना आने के लिए रोड है, ना ही कोई चिकित्सा हॉस्पिटल की सुविधा है, ना ही बच्चों की पढ़ाई की सुविधा है। पुनर्वसन चाहते हैं, यहाँ से लोग दूर रहना चाहते हैं ताकि इनके बच्चे पढ़े, एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण कर सके इसके लिए। लेकिन अभी तक इनके किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर के लोग काफ़ी अपने जनप्रतिनिधि से नाराज हैं। खासदार को जीरो देंगे, आमदार को वोट नहीं देंगे, इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं क्योंकि ये लोग अपने जनप्रतिनिधि से खुश नहीं हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सही बात है, सही बात है।